हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। मित्रों, आज मैं आपको हरी मिर्च के पौधे को बीज से कैसे उगाया जाता है की जानकारी दूंगा। मैंने अपने पहले के वीडियो में हरी मिर्च के पौधे की देखभाल और हरी मिर्च के फायदे के विषय में बताया था। मित्रों देखिए, मैंने पहले 4 पौधे मिर्च के लगाए थे और साल भर से मैं इनसे मिर्च तोड़ तोड़ कर खा रहा हूँ। देखिए कितनी मिर्च लगी हुई है। देखिए ये, देखिए ये, देखिए ये भी एक पौधा है। देखिए मित्रों, तो इस प्रकार से मित्रों, इसके बिना व्यंजनों की दुनिया अधूरी है। यह अपने तीखेपन जैसे गुणों के लिए जानी जाती है। इसका प्रयोग जायका बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो लीजिए मित्रों, मेरा यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें और बीज से हरी मिर्च का पेड़ कैसे उगाते हैं इस पर आप ध्यान दीजिए। मित्रों, मिर्ची का बीज लगाने के पहले मैं आपको मिट्टी के कंपोजिशन के विषय में बताऊंगा। इसमें एक भाग गार्डन सॉइल है, एक भाग सैंड है और एक भाग वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का मिश्रण बना लीजिए। और इसमें 1/2 चम्मच टर्मरिक का मैंने लिया हुआ है और 1/2 टीस्पून यूरिया का है और 1/2 टीस्पून डाई का लिया हुआ है। इसको सबको हमने एक में मिक्स कर लिया है और इस प्रकार से हमने इसको गमले में भर दिया है। अब गमले को जब हमने तैयार किया है, एक प्लास्टिक का पॉलीथीन का बैग है, तो इसमें हमने ड्रेनेज होल की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से देखिए कर रखा है कि जो भी पानी इसमें डाला जाए वो आराम से मिट्टी से होता हुआ और आराम से ड्रेनेज होल के माध्यम से बाहर निकल जाए। इस प्रकार से मैंने गमले को तैयार किया हुआ है और हवा भी आराम से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकती है इसमें। मित्रों, अब मैं मिर्ची के बीज किस प्रकार से लगाए जाते हैं इसके विषय में बताऊंगा। ज़्यादा बीज मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही मिर्ची के पौधे हैं, तो इसके लिए कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप उंगली से छोटा छोटा तकरीबन 1/2 इंच का छेद कर लिए कर लें। ये इसमें ज्यादा स्पेस नहीं है, टोटल 6 बीज डालेंगे हम। देखिए अगर ज्यादा है तो उसको निकाल लीजिए, 1 से 2 यदि पड़ा हुआ है तो उसको आप निकाल लीजिए और सिंपल वे में इसको आप इस तरीके से ढक दीजिए, दबा दीजिए। बीज लग गए। अब उसके बाद मित्रों, जो ये बीज है इसको चिड़िया ना खा ले क्योंकि खुले में रह गई है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर से नीम की पत्ती को तोड़कर या कोई भी सूखी पत्ती हो उसको तोड़कर, और वैसे भी ये कीटनाशक होता है, ऊपर से ऐसे भूरा दीजिए। पानी का डायरेक्ट प्रेशर भी बीज के ऊपर नहीं पड़ेगा, सुरक्षित रहेगा ये। और इसको आप 3-4 दिन के लिए शेडेड एरिया में रख दीजिए। सुबह शाम आप इसमें पानी डालते रहें। हिलाना नहीं है इसको आपने, बार बार इस पार्ट को आपने हिलाना नहीं है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। मित्रों, अब आपने देख लिया कि मैंने बीज कैसे लगाया है। अब इसको आप पानी डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। ज़्यादा प्रेशर से आपने पानी इसमें नहीं डालना है, उतना ही पानी डालिए जितना नमी इसमें
हो जाए, मॉइस्ट हो जाए, और इसके बाद इसको सेटेटेरिया में आप रख दीजिए और फिर हम आपको जल्दी ही अपडेट्स देंगे। मित्रों, मैंने 20 दिन पहले ये मिर्ची के बीज लगाए थे, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इनकी। जब ये थोड़े से और बड़े होंगे तो इन्हें रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि पौधों को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, इससे पौधों को अच्छा स्पेस फूलने फलने के लिए मिल जाता है। आप भी इसी तरह मिर्ची के बीज लगाएं और समय समय पर इसकी देखभाल करें, जिससे आप भी अपने बगीचे की मिर्ची को खा सकते हैं। मित्रों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।